हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 29x47 का हाउस प्लान। 29x47 मतलब करीबन दोस्तों 1363 मतलब 1350 स्क्वायर फीट का अगर आपका घर है, आपका प्लॉट है, तो उसमें दोस्तों आप किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं, वही दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों ये जो हाउस प्लान है उसकी मैं डिटेल बताऊँगा कि हर एक जो रूम है उसका डायमेंशन क्या है और किस तरह से ये प्लानिंग हुआ है, और अगर ये बनता है तो वो बाद में दोस्तों कैसा लगने वाला है। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों ये जो हाउस प्लान है इसमें दोस्तों 29 जो है वो चौड़ाई है और लंबाई दोस्तों 47 फीट है, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों हमें थोड़ा मार्जिन छोड़ना जरूरी है, तो तीनों साइड जो है राइट फ्रंट छोड़ के 1.5 फीट का यहाँ पे मार्जिन छोड़ा गया है। तो ये 1.5 फीट यहाँ पे छोड़ा गया है और ये जो 1.5 फीट है यहाँ पे छोड़ा गया है वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। तो ये 1.5 फीट यहाँ पे, तो तीनों साइड यहाँ पे 1.5 फीट छोड़ा है, फ्रंट पे हमने पूरा कवर किया है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारी एंट्री है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एंट्री है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कार पार्किंग है, कार पार्क होने के बाद भी दोस्तों बहुत बड़ी जगह बची है। तो ये जो कार पार्किंग है उसका मैं डायमेंशन आपको बता देता हूँ। तो ये जो कार पार्किंग है वो करीबन 14 फीट 3 इंच x 12 फीट 1 इंच के करीब है, ठीक है। तो बहुत बड़ी कार पार्किंग, इसमें आराम से एक कार और बाकी 2-3 बाइक्स तो ज़रूर इसके अंदर आ जाएगी। उसके बगल में यहाँ पे गार्डन एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे गार्डन एरिया भी है फैमिली के लिए। तो ये गार्डन एरिया की जो साइज़ है दोस्तों वो करीबन आपकी हो जाएगी 10 फीट 3 इंच x 11 फीट 4 इंच के करीब, बड़ा सा गार्डन है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्किंग है, गार्डन है, और यहाँ से हमें हमारे ऊपर चढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से हम अंदर आएंगे तो ये है वरांडा, ठीक है, इसको ओटा भी बोला जाता है, तो यहाँ पे मैं ओटा लिख देता हूँ। तो ओटा की भी साइज़ दोस्तों बढ़िया है, ओटा करीबन आपकी चौड़ाई जो है वो 4 फीट की है, लंबाई जो है वो करीबन 8 फीट 11 इंच के करीब है, ठीक है। तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, ओटा आएगा, ओटा से ये हमारा मेन डोर है, ठीक है, ये हमारा मेन डोर है, ठीक है। मेन डोर से हम अंदर आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, लिविंग रूम है, लिविंग रूम या फिर ड्राइंग रूम आप इसे बोल सकते हैं। तो ये हम लिखते हैं यहाँ पे लिविंग। तो यहाँ पे लिविंग रूम है, तो लिविंग रूम या फिर ड्राइंग रूम आप इसे बोल सकते हैं। इसकी जो साइज है दोस्तों वो करीबन है 11 फीट ऐसे, ठीक है, और 11 फीट x 3 इंच उसकी चौड़ाई और लंबाई है, ठीक है। तो 11 फीट 3 इंच बहुत अच्छी साइज़ है, ठीक है। उसमें दोस्तों ये स्टेयर वाला पोर्शन भी आ जाता है, ठीक है। अब वहाँ से हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारा किचन, तो किचन प्लस डाइनिंग यहाँ पे दिया गया है। तो किचन प्लस डाइनिंग की जो साइज़ है मैं अगर आपको बताऊँ तो ये करीबन आपकी है 12 फीट ऐसे दोस्तों, 12 फीट है ये छोड़ के, अगर ये 3 पकड़ेंगे तो टोटल 15 हो जाएगा। तो किचन जो है, किचन हमारा 15 फीट x 8 फीट का है, किचन हमारा 15 फीट x 8 फीट का है, ठीक है। और ये सारी जगह इसके अंदर आ जाती है। किचन के बगल में ही दोस्तों एक यहाँ पे देखिए ये कॉमन बाथरूम टॉयलेट है, ठीक है, कॉमन बाथरूम इसे बोल सकते हैं, कॉमन बात आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो साइज़ है वो करीबन दोस्तों बढ़िया है, 7 जो चौड़ाई है वो 4 फीट की है और इसकी जो लंबाई है वो 7 फीट 8 इंच के करीब है, मतलब बहुत बढ़िया साइज़ है दोस्तों, बहुत अच्छी साइज़ है, ठीक है। अब यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो ये देखिए ये हमारा पहला बेडरूम है, ठीक है। तो इस बेडरूम, ये हमारा बेडरूम है, तो बेडरूम की साइज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी करीबन 9 फीट 10 इंच x 12 फीट का यहाँ पे बेडरूम है, ठीक है। तो बड़ा बेडरूम है और अटैच यहाँ पे एक बाथरूम है, अटैच बाथरूम, इसको हम अटैच लिख देते हैं, अटैच बाथरूम जो है उसकी भी साइज़ आप देखोगे तो वो करीबन 4 फीट x 7 फीट का है, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत छोटा भी नहीं है, राइट।
तो ये बढ़िया साइज है। उसी के बगल में यहाँ पे दूसरा बेडरूम है और दूसरे बेडरूम की जो साइज है वो दोस्तों करीबन है 10 फीट चौड़ाई है और 12 फीट उसकी लंबाई है। ठीक है, तो 10x12 का अच्छा है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे एक अटैच बाथरूम भी है, ठीक है, जिसकी भी साइज दोस्तों करीबन 4 फीट चौड़ाई और 7 फीट लंबाई है। ठीक है, तो देखिए ये बहुत अच्छा प्लान है क्योंकि यहाँ से आप एंटर करोगे, ओटा ओटा होता है वो ये लिविंग रूम और बीच में स्टेयर आ जाएगी, जिससे दोस्तों हमारी जो प्राइवेसी है यहाँ पे किचन और डाइनिंग की वो मेंटेन हो जाएगी। और जो ये स्टेयर दोस्तों यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे, स्टेयर यहाँ से अप जाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी जो ये नीचे वाली जगह है, ये जो स्टेयर है उसकी नीचे की जगह हमें डाइनिंग में कवर कर लेंगे, जिससे 15x8 फीट का डाइनिंग बढ़ गया। ठीक है, और दोस्तों 8 फीट तो कहाँ तक है, 8 फीट यहाँ तक है, तो अगर और दोस्तों 3 फीट पकड़े तो ये 8+3 मतलब करीबन 11 फीट चौड़ा हमारा किचन हो जाएगा। मतलब ये 11 फीट की जगह यहाँ पे मिल जाएगी और कॉमन बाथरूम भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा प्लान है अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं। 49x47 का अगर आपका एरिया, 30x50 भी है तो भी आप इसमें इस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आपको दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सीवी कॉन्सेप्ट।